सब्सक्राइब कीजिए तवा मसाला चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर और पाइए फूड रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तवा मसाला। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन आपको दिख रहा है उसे भी जरूर से प्रेस कीजिए ताकि जो भी रेसिपी मैं लेके आऊँ वो आप तक तुरंत ही पहुँच सके और बिल्कुल ऐसी ही बढ़िया रेसिपी आप भी अपने घर में जरूर से ट्राई कर सकें। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है एक फ्रूट जूस। फ्रूट जूस हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आपको पता ही है हर एक सीजन में अलग अलग तरीके के फ्रूट मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी विंटर की सीजन चल रही है तो विंटर की एक स्पेशल रेसिपी हम आप तक पहुँचाने जा रहे हो और उसका नाम है ग्वावा जूस। तो आइए उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख ले। रेड ग्वावा है, पाउडर शुगर, रोस्टेड जीरा, ब्लैक सॉल्ट और पानी। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सी बॉल लिया है। यहाँ पे मैंने दो बड़ा ग्वावा लिया है। ग्वावा में दो टाइप के ग्वावा आते हैं, एक व्हाइट ग्वावा और रेड ग्वावा। हमने इसे जूस बनाने के लिए यहाँ पे रेड ग्वावा का इस्तेमाल किया है। दो बड़े से ग्वावा को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है। टू टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे। वन टीस्पून रोस्टेड जीरा ऐड करेंगे। और वन टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। और वन ग्लास पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब हम इसे छलनी से छान लेंगे। इसे छानने का सिर्फ एक ही रीजन है क्योंकि हमने जब ग्वावा का इस्तेमाल किया था तो उसके अंदर जो भी सीड्स है वो हमने रिमूव नहीं किए थे। तो आप एक बार इसे क्रश कर लेंगे और उसके बाद इसे छान लेंगे तो इसी तरह से छलने में जो भी सीड्स है वो ऊपर आ जाएंगे और आपको पीने में आसानी से। यहाँ पे हमारा आज का ग्वावा जूस की जो रेसिपी है वो पूरी तरह से रेडी है। अब हम उसे सर्व करेंगे। आप इस जूस को एक वीक तक इसे स्टोर करके फ्रिज में आसानी से रख सकते हैं। जब आपको इसे फ्रिज में स्टोर करना है तो आप इसे कांच की कोई बॉटल हो या कांच के किसी बर्तन में ही आप इसे स्टोर करें। ये स्टील के बर्तन में इसका जो टेस्ट है वो चेंज होता है हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे एक वीक तक इजीली आप अपने फ्रिज में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और हमने जो पानी इसके अंदर ऐड किया था उसके पानी को आपको ठंडा इस्तेमाल करना है। अगर आप मटके का नॉर्मल पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप जब इसे सर्व करते हैं किसी गेस्ट को ऊपर से आइस क्यूब डाल के सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने ठंडा पानी ऐड किया है तो आप इजीली इसे सर्व कर सकते हैं। और पाउडर शुगर, काला नमक जो भी हमने इसके अंदर ऐड किया है उसका नाप यहाँ पे फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी ग्वावा जूस, एक नेचुरल जूस आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं और वो यहाँ पे रेडी है। आप भी इसे अपने घर में जरूर से बनाइए और मुझे कमेंट में जरूर से लिख के भेजे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।